चिट्ठी है, उस चिट्ठी में उन्होंने अलग-अलग आरोप को लगाए हैं, इतना पैसा बचा है, इतना पैसा दे दो, ये सब बातें लिखी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस चिट्ठी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्वीकार कर लिया है कि केंद्र की सरकार धान खरीदी में कितना बड़ा योगदान देती है। कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, ईश्वर सत्य के रूप में कैसे प्रकट होता है। इसका सुंदर उदाहरण मुख्यमंत्री जी की चिट्ठी से, जो अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से जो परिलक्षित हो रहा है, जो इंडिकेशन आ रहा है, आज जो धान खरीदी हो रही है उसमें 20 क्विंटल की बात अगर भूपेश बघेल कर रहे हैं तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के कोटे के कारण कर रहे हैं। 86.5 लाख मीट्रिक टन चावल का कोटा दिया गया है, जिसको धान में हम कन्वर्ट करें तो 1.30 करोड़ मीट्रिक टन धान लगभग होता है, उससे ये स्पष्ट हो गया है। चुनौती देता हूँ कि किसी मंदिर में जाकर, मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के ऊपर खड़ा होकर फिर से गंगा जल को हाथ में लेकर के कसम खा दे कि जो बातें हमने कही है, नरेंद्र मोदी जी ने धान के लिए कितना पैसा दिया है, कितना आज कह सकते हैं कि पिछले साल के बराबर अगर धान खरीदी हो तो 100% धान के चावल को मोदी जी सेंट्रल पूल में लक्ष्य दे चुके हैं, तो भूपेश बघेल जी गंगा जल की कसम खा दे कि हम जो बात बोल रहे हो गलत है, या नरेंद्र मोदी जी की सरकार चावल खरीद करके धान खरीदी आज जो हो रही है उनके कारण, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कारण नहीं हो पा रही, उससे जो मोदी जी को के कारण हो पा रही है, ये अगर गलत है तो गंगा जल की कसम खाने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को हम गंगा जल से कसम खाने की चुनौती।